हे लर्नर, इट इज़ इन डिवर फॉर यू। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन एलिजिबल है। मेनली हम लोग फोकस करेंगे चुनाव का जो रीति है, मैनर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए अगर चाहता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 52 में है कि प्रेसिडेंट होगा भारत में, वो भारत का पहला नागरिक होगा। 53 में है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, 54 में है इलेक्शन कैसे होगा, और 55 में है माइनर्स। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई आदमी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसका उम्र ग्रेटर देन इक्वल टू 35 ईयर्स होना चाहिए, 35 साल या उससे ऊपर का रहना चाहिए, मतलब 35 साल उम्र पूरा कर लिया हो। तीसरा, वह लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा के मेंबर के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो। और चौथा है कि वह कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसको लाभ का पद बोलते हैं, कोई लाभ का पद धारण नहीं करता। अगर वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा तो वो एलिजिबल होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चुनाव में खड़ा हो सकता है। और इसमें से एक दो एक्सेप्शन है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या गवर्नर है तो वो लोग भी चुने जा सकते हैं राष्ट्रपति, बस हरते कि जिस दिन से वो एज्यूम करेंगे ऑफिस प्रेसिडेंट का, उस दिन से उनका वो जहाँ का वो लोकसभा या विधानसभा सदस्य गवर्नर है वो सदस्यता उनकी ख़त्म हो जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि मान लीजिए कि इंडिया में जितना नागरिक है सब सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो 35 साल से ऊपर हो गया है, लोकसभा का मेंबर बनने का योग्यता रखता है मतलब, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं कोई लाभ का पद धारण करता है, तो क्या हर आदमी खड़ा हो जाएगा प्रेसिडेंट के चुनाव में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि उसमें एक बार लगा गया। जैसे हम लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल रूल 1974 बना था, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल रूल 1974 बना था। इसमें यह प्रोविज़न किया गया कि कोई प्रेसिडेंट का चुनाव तभी लड़ सकता है जब उसे 50 प्रस्तावक प्रपोजल और 50 सेकेंडर मिल जाए, उसके अनुमोदन करने वाला। अगर वो नॉमिनेशन फाइल कर रहा है तो 50 लोग उसके प्रस्तावक होंगे, 50 वोटर जो इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर है, और 50 प्रस्तावक होंगे। अगर किसी के पास एटलीस्ट ये 100 मेंबर्स जो इलेक्टोरल कॉलेज का है, जो हम लोग आगे देखेंगे इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर कौन कौन होता है जिसको निर्वाचक मंडल बोलते हैं, तो अगर 100 लोग उसके पास हो गया तो वो खड़ा हो सकता है। जैसे हम लोग देखे थे कि एक नाम बड़ा फेमस था, काका जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़, हाँ इनके नाम करीब 350 चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड है और ऑलमोस्ट ऑल चुनाव इन्होंने हार गए। ये बरेली से ये आपका शंकर दयाल शर्मा के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे, के आर नारायण जो राष्ट्रपति थे उनके खिलाफ भी चुनाव लड़े थे, ठीक है। तो एक बार लग गया 50 प्रपोजर 50 सेकेंडर का, एक 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो तब वो चुनाव लड़ सकता है। दूसरा चीज़ है, अगर वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो जैसे ही नॉमिनेशन वो फाइल करते हैं तो नॉमिनेशन के लिए उन्हें सिक्योरिटी के रूप में 15,000 रुपया जमा करना होगा। तो इसका तरीका है, चाहे वो कैश जमा कर दें या RBI में पैसा जमा कर दें और उसका रिसिप्ट शो कर दें, या फिर सरकार के ट्रेजरी में, सरकार का जो ट्रेजरी है उसमें जमा करके रसीद नॉमिनेशन फॉर्म के साथ भर दें तो उनका नॉमिनेशन स्वीकार किया जाएगा सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस। और जनरली इसमें होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं जनरली वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा या फिर जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल होते हैं, महासचिव कुछ ऐसे ही नाम है, उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। तो ये सब आपने देखा, ये सब छोटा छोटा जो विधि है जिसको फॉलो करना है राष्ट्रपति के चुनाव में,
फिर आगे बात ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में उसकी उम्मीदवारी वो सफल हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, उसे वो 15,000 रुपया वो रिफंड कर देता है जो विनिंग कैंडिडेट है। और अगर वो कैंडिडेट वैलिड वोट का 1/6 वोट नहीं लाया तो उसका जमानत की राशि जब्त हो जाती है, जिसको हम लोग जमानत जब्त बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये सब हो गया। चुनाव अगर कोई लड़ना चाहता है तो क्या क्या होना चाहिए, अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होगा, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति महोदय का चुनाव, उसमें कौन कौन लोग भाग लेगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है जिसको इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज, उसके मेंबर कौन कौन होते हैं। इसमें ध्यान रखने का ही बात है कि जैसा कि हम ऊपर में एक कीवर्ड, कुछ कीवर्ड्स बना के रखे हैं कि कौन कौन कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, जैसे इलेक्टेड मेंबर्स, फर्स्ट पास द पोस्ट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफर वोट, इनडायरेक्ट इलेक्शन और सेक्रेट बैलेट। इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल हम राष्ट्रपति चुनाव का जब तक चर्चा करेंगे इन बातों पे ध्यान रखना होगा, और उसका क्या क्या अलग अलग इम्पोर्टेंस है अलग अलग जगह हम बताने का कोशिश करेंगे। तो कौन कौन होता है निर्वाचक मंडल के सदस्य, तो सबसे पहले लिखते हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे राज्य विधान सभा, राज्य विधानसभा के जितने निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, सिर्फ निर्वाचित सदस्य, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन में कभी ऑब्जेक्टिव में दे दे कि सभी सदस्य, तो वो सवाल हमेशा गलत होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और पूरे राज्य, जितना भारत में राज्य है सबके, विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित हैं, इन उसमें प्लस कर देंगे हम दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इन दोनों को ऐड किया गया था, जो पहले हम लोग का प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय इतना ही था, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली पुदुचेरी का विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को 17वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1991 में जोड़ा गया कि दिल्ली और पुदुचेरी के, ये एक्चुअली में यूनियन टेरिटरी है ना, और कुछ दिल्ली के बारे में जानते हैं, उन्हें नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी बोलते हैं, तो इन दोनों स्टेट में विधानसभा उनके सदस्य को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो आप देख लिए निर्वाचित, जितने निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे। अब आप देखिए कि कौन कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज है, जो निर्वाचक मंडल है, उसमें शामिल नहीं है। तो अभी हमने देखा कि जो लोकसभा में, जैसे हम लोग जानते हैं कि 543 सदस्य हैं, जिसमें से 543 का चुनाव होता है प्रत्यक्ष पद्धति से, और दो एंग्लो इंडियन जो रहते हैं सदस्य, एंग्लो इंडियन, उनका नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेटेड, नामित सदस्य जिसको बोलते हैं। राज्यसभा में कुल 245 है, इसमें से 233 सदस्य का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, और 12 सदस्य विशिष्ट सेवा के, जैसे साहित्य, कला इत्यादि से नॉमिनेट किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं। तो इतने मेंबर हो गए इसके लोकसभा और राज्यसभा के, और बाकी विधानसभा के जो इलेक्टेड हुए इंक्लूडिंग दिल्ली। अब कौन कौन नहीं लेंगे, तो सबसे पहले ये देखिए, जो दो एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड हैं लोकसभा में, 12 जो नॉमिनेटेड हैं राज्यसभा में। अब इसके पीछे भी ये तर्क है कि इन दोनों का नॉमिनेशन तो प्रेसिडेंट के ही हस्ताक्षर से, प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है, तो फिर अगर फिर फेयर फेवर का सवाल उठ जाएगा, है ना, इसलिए
शायद इसी वजह से इन इन सबों को, ये जो 14 है लोकसभा और राज्यसभा मिला के, इन लोग को शामिल नहीं किया जाता कि ये प्रेसिडेंट के चुनाव में बिल्कुल भाग नहीं लेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स। उसके बाद आते हैं जैसे बहुत जगह विधान परिषद है जहाँ पे MLC ही सिलेक्ट होते हैं, तो इंडिया में सिर्फ 7 ही जगह, 7 स्टेट्स में ही विधान परिषद का अस्तित्व है, तो वो भी इसमें भाग नहीं ले सकते राज्यसभा के, राष्ट्रपति के चुनाव में। अब हम लोग वापस कुछ जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स यहाँ पे हम लिख के रखे हैं उस कीवर्ड्स पे चलते हैं। ये कीवर्ड्स क्या क्या होता है, जैसे सबसे पहला कीवर्ड हमने लिखा है इलेक्टेड मेंबर्स, तो जहाँ पे भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन भाग लेता है, तो इसलिए हम लोग इलेक्टेड मेंबर को नोट करके रखे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। जहाँ राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा के सदस्य आएंगे तो कौन पार्टिसिपेट करेगा उसके चुनाव में, कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर होगा, सिर्फ निर्वाचित सदस्य, नॉमिनेटेड नहीं, नामित सदस्य बिल्कुल नहीं। ये पहला कीवर्ड हो गया, हमेशा ध्यान रखिएगा पूरे राष्ट्रपति के चुनाव में शुरू से अंत तक इलेक्टेड शब्द ही हम इस्तेमाल करें। दूसरा है जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FPTP बोलते हैं। अब FPTP क्या होता है, अब ऐसे इसको हम ऐसे समझते हैं कि इसके नाम से ही लग रहा है कि जैसे ऐसे समझिए कि कोई रेस हो रहा है, रेस में जो सबसे पहले दौड़ कर रेड लाइन को टच कर दिया ही विल बी डिक्लेयर्ड एज विनर, उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा, इसी को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं कि जैसे एक लोकसभा या विधानसभा में, विधानसभा या लोकसभा में 4 कैंडिडेट खड़े हुए, ABCD, एक को वोट मिला 30%, एक को वोट मिला 25%, एक को वोट मिला 20% और वोट मिला 24%। अब देखिए वोटिंग के हिसाब से अगर तय करें तो अगर यही हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में बात करते तो ये विनर नहीं घोषित हो पाते। इसमें अब क्या है कि जो आदमी सिर्फ 30% चुनाव लाए, ये कितना परसेंट वोट लाए, ये सब लूज, ये सब जो 30% लाए वोट, जो सबसे ज़्यादा वोट लाए उनको विजेता घोषित कर दिया जाए। ऐसे जनरली क्या होता है कि अगर 50+1% आ गया 50% वोट और एक सीट, तो उन्हें मेजोरिटी बोला जाता है, उन्हें सरकार बनाने का अवसर दिया जाता है। लेकिन ये फर्स्ट पास तो पोस्ट में क्या होता है कि जिनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट एक कंस्टिट्यूएंसी में, जितने भी कैंडिडेट हैं कंटेस्टेड हैं उसमें से जिसको सबसे ज़्यादा वोट आ गया, अब ये सवाल उठता है कि क्या वो सिर्फ 30% का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, सिर्फ 30% लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वही सरकार चलाएगा, वही लोकसभा का सदस्य या विधानसभा का सदस्य बना जाएगा। तो हम लोग के देश के में इसी सिस्टम को चुना गया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इंडिया में इसी को अपनाया गया है और इसी के हिसाब से हम कैंडिडेट को जीत हार बताया जाता है। आप कितना परसेंट वोट लाए, आपको टोटल में से कितना परसेंट वोट आया, उससे इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं जिसको बोलते हैं PR सिस्टम, जिसको अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को हिंदी में आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। अब बोलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होता है, ये एक्चुअली में इजराइल में और नीदरलैंड में अभी भी चल रहा है। इसके हिसाब से ये होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी लोकसभा या विधानसभा में 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं ABCD, तो इसमें पूरे देश को सबसे ज़्यादा जिसको वोट आया, जैसे 40% अगर ए पार्टी को आया, बी पार्टी को आया 20%, सी पार्टी को भी 20% आया और डी पार्टी को 18%, ई पार्टी को 2%, तो 40, 20, 60, 80, 100, इतना 5 पार्टी को इतना वोट आया। तो क्या करेंगे, जितना सीट है पूरे देश में उस सीट को इसके अकॉर्डिंगली, मतलब अगर मान लीजिए 100 सीट है तो 100 सीट को इन पार्टियों में परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। ए को 40 मिलेगा, बी को 20 सीट, सी को 20 सीट, डी को 18 सीट, ई को 2 सीट,
सीट का बंटवारा परसेंटेज ऑफ वोट्स जितना आपको रिसीव हुआ उसके हिसाब से कर दिया जाएगा। तो ये सिस्टम चला, तो ये अभी भी नीदरलैंड और इजराइल में फॉलो होता है। और अगला हमारा जो कीवर्ड है जिसको एसटीम बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है जिसको बोलते हैं एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको यूएसए में रैंक चॉइस वोटिंग बोलते हैं और हेयर क्लार्क वोटिंग ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं और थॉमस हेयर सिस्टम ब्रिटेन में बोलते हैं। इसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये ट्रांसफ़र कैसे होता है, कहाँ होता है, ये जब हम प्रिफरेंस मोड ऑफ वोटिंग आगे बढ़ने वाले हैं उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें थॉमस ड्रूट एक थे वो ब्रिटेन के, इन्होंने ये सिस्टम बताया था कि इसमें हम लोग तरीका ये रखें कि जो जितना 100% है उसका आधा वोट और उसमें एक जिसको इतना वोट आ जाएगा ही विल बी डिक्लेयर्ड विनर। यही थॉमस ड्रूट का सिस्टम ये था। तो ये हम लोग समझ गए कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट महोदय का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट रूट होता है, जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति बोलते हैं। जिस जैसे हम लोग जिसको चुनते हैं लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के सदस्य, वो लोग जाके प्रेसिडेंट को चुनते हैं, उनके मतदान में भाग लेते हैं, वोट देते हैं। और ये बिल्कुल सीक्रेट बैलेट द्वारा होता है जिसको बोलते हैं गुप्त मतदान। हालांकि आज के डेट में सीक्रेट बैलेट या गुप्त मतदान कहना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि जैसे ही हम जानते हैं कि जैसे अभी जो जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, तो पहले से ही पता है कि बीजेपी प्रोजेक्ट कर दिया है श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए 2017 में। तो पहले प्रोजेक्ट कर दिया, फिर जानते ही हैं कि फिर भी जारी होता है। तो मतदान गुप्त है, लेकिन लोग को पता है कि कितने लोग लड़ रहे हैं, कौन कौन पार्टी लाइन पे कौन कौन लोग उनको सपोर्ट कर रहा है, और जितना वोट आना है उसमें से कितना वोट उनको मिलने वाला है। तो जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव, हमारे देश में राष्ट्रपति महोदय का चुनाव प्रेजेंटेशन बेसिस पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर किया जाएगा, और इसमें कौन कौन भाग लेंगे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा एक बार एक नज़र ये देख लेते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट और प्रोपोर्शनल प्रेजेंटेशन सिस्टम में अंतर क्या होता है। तो नाम से ही लगता है कि ये बिल्कुल फर्स्ट पास द पोस्ट ईजी है, जैसा इंडिया में अपनाया गया लोकसभा विधानसभा लोकसभा विधानसभा इत्यादि के लिए। और प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है ये सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के चुनाव में और कुछ अन्य चुनाव में भी इसी विधि से चुनाव किया जाता है। दूसरा हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट है बहुत इजी मेथड है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, प्रेफरेंशियल वोट है ना, किसको फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, तो उसके हिसाब से वोट देना है। तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स मेथड पड़ता है। तीसरा अंतर ये है कि फर्स्ट पास द पोस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, हर कंस्टिट्यूएंसी में एक एक कैंडिडेट खड़ा होता है, लेकिन प्रोपोर्शनल सिस्टम में इंटायर नेशन को एक कंस्टिट्यूएंसी माना जाता है, और जितना परसेंटेज ऑफ वोट मिला जिसको उसके हिसाब से वो सीटों का बंटवारा। इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट में नेक्स्ट अंतर है कि जो हाईएस्ट वोट है जिसको आया उसके हिसाब से इलेक्शन होता है, इलेक्टेड घोषित किया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में कोटा के हिसाब से होता है। फिर फर्स्ट पास द पोस्ट में क्या होता है कि जो 30, जैसे वो अभी आपने देखा था कि किसी कंस्टिट्यूएंसी में जो ऊपर आप देखा था कि 30% जो वोट लाया वो विनर घोषित हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि जो 70% जो वोट आपका था वो क्या हुआ, वेस्ट हो गया, वो आपका वोट बेकार हो गया। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होता। तो ये रहा आपका अंतर दोनों के बीच में, फर्स्ट पास द पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति महोदय को आखिर हम चुनते कैसे हैं, जिन कीवर्ड्स का हमने इस्तेमाल किया आगे में उसके हिसाब से, उसके द्वारा उसका मदद करते हुए अब देखेंगे कि राष्ट्रपति महोदय का चुनाव कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में वोटर्स कितना है।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर से भाग लेते हैं, तो लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर 543 में दो छोड़ दीजिए, तो 545 में से दो छोड़ दिए तो 543 हुए, राज्यसभा में 233 हुआ, और पूरे विधानसभा मिला के 4120 सदस्य आते हैं। टोटल को प्लस कर देंगे तो 4896 इतना वोट्स है टोटल। लेकिन वोट से सिर्फ नहीं होगा, अगर वोट से होता तो लोकसभा राज्यसभा इन दोनों मिला के 776 ही हो जाता, और विधानसभा के लिए 4120 होता। तो फिर सिर्फ जो फेडरल स्ट्रक्चर का मेंबर है, जो राज्य है, उनका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, जो हमारा पार्लियामेंट है लोकसभा राज्यसभा उसका तो कोई वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, करीब एक चौथाई के आसपास, उससे भी कम आ जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया है कि सब जो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, ये इनका वोट का वैल्यू MPs का और MLA का वोट का वैल्यू, इसका वैल्यू का निकालने का एक तरीका दिया गया। और जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो जितना वोट का वैल्यू जो MPs हैं 776 और जो MLAs हैं इलेक्टेड 4126, दोनों का वोट का वैल्यू करीब करीब बराबर आता है, जैसे 549495 के आसपास दोनों का वोट का वैल्यू आता है। और इस तरह से आप ये देखेंगे कि पूरा वोट का वैल्यू 1098903 टोटल वोट का वैल्यू होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू आया कहाँ से, कैसे वोट का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एमएलए का वोट का वैल्यू कितना होता है। तो राज्य का कुल जनसंख्या, जिस राज्य का हम लेंगे उसका वोट है ना, जैसे मान लीजिए UP, बिहार, MP, ऐसे राज्य का कुल जनसंख्या बटे राज्य में निर्वाचित सदस्यों की संख्या विधानसभा में, इससे डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें 1000 से भाग दे देंगे। तो ये हो गया हमारा एक MLA का वोट का वैल्यू, राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय राज्य में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जो रिजल्ट आए उसमें हम 1000 से भाग दे देंगे। ये एक MLA का वैल्यू हुआ, एक MLA का वोट का वैल्यू हुआ। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक MP के वोट का वैल्यू कितना होता है। तो एक MP के वोट का वैल्यू होता है कि राज्य, पूरा राज्य, जितना देश में राज्य है, के समस्त विधानसभा सदस्यों, निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के वोट का वैल्यू, वोट का मूल्य, उसका वोट का जो मूल्य हो गया, वैल्यू हो गया, उस पर 776 डिवाइड कर देंगे, मतलब इलेक्टेड डिवाइडेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, MPs हमारे जो हैं इलेक्टेड मेंबर, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा एक MP का वोट का वैल्यू। ठीक है, तो एक MP का वोट का वैल्यू। अब सवाल उठता है कि 4896 वोटर हैं और वोट का वैल्यू 1098930 आ जाता है। तो हर स्टेट का, जैसे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है ना, वहाँ पे MLAs का संख्या ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, तो सबका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसमें, है ना, जिसका जितना संख्या, जिसका जितना लोग, उसके हिसाब से उसके सदस्य चुन चुन के आएंगे और उनके वोट का वैल्यू होगा। जैसे अगर UP का एक सिक्किम छोटा राज्य या गोवा छोटा राज्य का तुलना करेंगे तो दोनों के वोट वैल्यू में अंतर आएगा, लेकिन फाइनली जो पूरा वोट का वैल्यू आएगा, पूरा जो इलेक्टेड मेंबर है 776, उनके वोट का वैल्यू और MLA के वोट का वैल्यू करीब करीब बराबर आता है। तो हम देखेंगे कि स्टेट का और यूनियन का, दोनों का वोट का वैल्यू बराबर है। तो प्रेसिडेंट के चुनाव में हमारे फेडरल और यूनिटरी स्ट्रक्चर दोनों को ख्याल रखते हुए बनाया गया। अब इस बीच में हम एक चीज़ ये गौर करेंगे कि अभी भी हमारे देश में जो 1971 का जो जनसंख्या है, उसी के हिसाब से जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, तो उसमें जनसंख्या का आधार 1971 ही माना गया है। तो इसके पीछे वजह ये है कि हमारे देश में, भारत का
84th संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, संशोधन अधिनियम पारित हुआ था 2001 में, अधिनियम पारित हुआ था जिसमें यह बताया गया कि 2001 से बढ़ाकर इसको कर दिया गया 2026 तक, जो इसको फ्रीज कर दिया गया, मतलब 2026 तक जो 1971 का सेंसस है, जो राष्ट्रपति में जैसे नहीं भागा देते हैं एमएलए का वोट का वैल्यू, एमपी का वोट का वैल्यू, तो एमएलए का वोट का वैल्यू में जनसंख्या आता है राज्य का कुल जनसंख्या बटे इलेक्टेड मेंबर निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो ये जनसंख्या 1971 का ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये 84 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। अब 2026 के बाद, तब 2026 भी नहीं बोलिए, जनगणना तो होगा 2031 में, तो समझिए कि इनडायरेक्ट रूप से 2031 के बाद ही अभी जनसंख्या का जो फेरबदल राज्यसभा में जो वोट का वैल्यू बदलेगा, है ना, मत मूल्य बदलेगा, ये समझिए कि 2031 के बाद ही बदलेगा। हाँ, संविधान संशोधन तो 26 तक ही किया है, लेकिन वो बाद बदलेगा। अब तो आपने सब मातमूल समझ गया, हाँ, एकल संक्रमणीय पद्धति समझ गया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझ गया। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय का चुनाव एक एकल संक्रमणीय पद्धति से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होता है। तो ये कैसे होता है, अब इसको हम लोग देखेंगे। मोड ऑफ वोटिंग, वोटिंग का मोड क्या होता है, तो एक बैलेट का हम लोग सैंपल लेते हैं कि बैलेट पेपर कैसा होता है। इसमें देखिए, ये कैंडिडेट्स हैं, ए कैंडिडेट, बी, सी, डी, चार लोग चुनाव में लड़े, चुनाव में खड़े हुए प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। तो एक जो वोटर है एमपी या एमएलए, वो ए को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहता है, बी को थर्ड प्रेफरेंस दिया, सी को फोर्थ प्रेफरेंस दिया, डी को सेकंड प्रेफरेंस दिया। ये हर वोटर का अपना अपना इच्छा है, है ना। ऐसे FPTP में हम देखते हैं, एक वोट, एक आदमी एक मत, जिसको वोट देना है दीजिए, हारे जीते आप समझिए। लेकिन यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट हार भी गया है तो आपका वोट बर्बाद नहीं होगा। अगर पहला कैंडिडेट ए अगर हार गया, जिसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दिए, तो आपका बी का काउंट होगा, सी का काउंट होगा, डी का काउंट होगा, है ना। ये कैसे होगा उसको हम लोग आगे देखते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं कि किसी चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में कितना वोट है, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल वोट 15,000 है। तब हम देखेंगे जो हमारा ये थॉमस रूट का महोदय का जो फॉर्मूला है, या जो हमारे देश में चल रहा है, उसके हिसाब से किसी आदमी को अगर 15,000 वोटर है तो उसमें उसके आधा प्लस वन 50%, मतलब 7500 प्लस वन, मतलब 7501 वोट उसको लाना होगा प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब हम देखते हैं कि कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, अगर मान लीजिए कि ये चुनाव हुआ, 15,000 वोटर थे, उसमें से वैलिड वोट है ना, वैलिड वोट का संख्या है, ए को 5200 वोट मिला, बी को 4800 मिला, सी को 2750 मिला और डी को 2250 वोट मिला, ठीक है। इतना फर्स्ट प्रेफरेंस, अभी क्या होगा, चरण वाइज सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वोट काउंट होता है। फर्स्ट प्रेफरेंस वोट में अगर किसी को 7501 नहीं मिला, जैसा कि हम आगे देखेंगे, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस वोट काउंट होता है। तो यही हुआ हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कैसे किसी का वोट ट्रांसफ़र होता है, बस उसी का ये नमूना है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट आया, अब देख रहे हैं हम कि ए को 5200 आया, वोट कितना लाना था टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड 7501। अब ए को आया ना, बी को आया ना, सी को आया ना, डी को आया, किसी को नहीं आया। तो इसमें क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति होता है तो हम लोग एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट द लिस्ट, इसको ये बोलते हैं, एलिमिनेट द लिस्ट, मतलब जिसको सबसे कम वोट आया उसको एलिमिनेट कर दीजिए। कि भाई लाना है 7500, तुम तो 2200 में अटके हो, तुम गोल नहीं पहुंच पाओगे, यू विल नॉट रीच द गोल, इसलिए आप चुपचाप धीरे से बाहर निकल जाइए, ठीक है। तो ये बाहर तो निकल गए, अब बाहर निकल गए, अब साथ में छोड़ दिए कि भाई फर्स्ट प्रेफरेंस तो वोट इनको मिला था, 2250 लोग फर्स्ट प्रेफरेंस तो वोट इनको दिए, लेकिन इनका सेकंड प्रेफरेंस वोट होगा, थर्ड प्रेफरेंस वोट होगा, फोर्थ प्रेफरेंस वोट होगा,
जितना भी कैंडिडेट है उसका तो अभी 3 प्रेफरेंस वोट और मिला, तो ये तीनों प्रेफरेंस वोट अब ए को मिलेगा, कुछ बी को मिला होगा, कुछ सी को मिला होगा, डी तो उड़ गए, एलिमिनेट होगा। अब उनका फर्स्ट प्रेफरेंस वोट ख़त्म, अब सेकंड प्रेफरेंस वोट काउंट होगा। तो मान लीजिए कि पहले से इनको 5248 था, अब सेकंड प्रेफरेंस वोट ए बी सी को मिला के, जो डी का सेकंड थर्ड प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस वोट आया वो अगर ऐड करते हैं तो मान लीजिए अब बी को आ गया 5500, ए को बी को आ गया 5850, सी को आ गया 3600। ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस वोट अब काउंट कर लिए, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस किए, कोई नहीं जीता, एलिमिनेट किए, सेकंड प्रेफरेंस काउंट किए। ठीक है, अब सेकंड प्रेफरेंस काउंट किए तो फिर देखते हैं कि ये 55 में अटक गया, बी 5800 और सी 3600। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर एलिमिनेट द लिस्ट, जिसको सबसे कम आया वोट उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, अब हम सी को एलिमिनेट कर दें। अब जब जैसे ही हम सी को एलिमिनेट कर दें कि भाई तुम भी नहीं पहुंच पाएगा, तुम अभी 3600 हो और गोल है 7501, तुम पीछे छूट जाओगे, इसलिए छोड़ दो, अपना खा घसक जाओ यहाँ से धीरे से। तो अब सी हट गया, अब सी हट गया तो फिर हम देखेंगे कि सी का और डी का, अब इसका जो थर्ड प्रेफरेंस वोट का काउंट करेंगे, ठीक है ना, सी का अब थर्ड प्रेफरेंस वोट काउंट करेंगे कि इनका थर्ड प्रेफरेंस वोट किसको मिला। ठीक है, तो थर्ड प्रेफरेंस जो वोट मिला, अगर ए को कुछ मिला होगा उसमें से बी को भी कुछ मिला होगा। हाँ, तो मान लेते हैं कि इनका थर्ड, ए का थर्ड प्रेफरेंस वोट जोड़ के 7250 आया और बी का थर्ड प्रेफरेंस वोट मिला के 7750 आया। अब हम देखते हैं कि हमारा टारगेट कितना था, टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड 7501, है ना, 7501 वोट जो लाएगा वो राष्ट्रपति के चुनाव में विजेता घोषित किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि ए को सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वोट सबसे ज़्यादा था, डिस्पाइट दिस ही लॉस्ट द बैटल, ये राष्ट्रपति के चुनाव से बाहर हो गए। इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक के 50% वोट प्लस वन, ये गांठ बांध लीजिए, ये मेन रूल है, 50% वोट प्लस वन, जिसको मेजोरिटी भी सरकार बनाने में भी हम देखते हैं कि जिसको इतना आता है वही सरकार बनाता है ना। तो अब ये विजेता घोषित हो गया, तो ये प्रक्रिया तब तक दोहराते चलते हैं। साथ साथ में ये देखते हैं कि हमारे देश में एक बार सबसे पहले सेकंड प्रेफरेंस वोट का काउंटिंग का जरूरत पड़ा था, श्री बीबी गिरी जो राष्ट्रपति चुने गए थे ये सेकंड प्रेफरेंस वोट से ही बने थे, फर्स्ट प्रेफरेंस में इन्हें विजेता नहीं हो पाए थे, 1969 का बात है, तो ये याद रखना होगा, एक ये एग्जाम्पल है। और राष्ट्रपति महोदय के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद अगर खड़ा होता है तो उसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई किया जाएगा, उसी से वहीं से डिसाइड होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, हम लोग हर दिन सुनते हैं राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति के, एकल संक्रमणीय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा, इनडायरेक्ट इलेक्शन, सेक्रेट बैलेट के द्वारा राष्ट्रपति महोदय चुने जाते हैं, लेकिन ये प्रेफरेंस का क्या खेल है। हाँ, हम आपको आशा हम करते हैं कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका से मैंने बता दिया, आप हमको लगता है कि चुटकी में समझ में आ गया होगा कि ये कोई ख़ास बात है नहीं, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट करेंगे, है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं पूरा एलिमिनेट करें, फिर सेकंड प्रेफरेंस काउंट करेंगे, प्लस कर देंगे ए बी सी में, फिर एलिमिनेट करेंगे अगर नहीं पहुँचा, फिर ऐसे इसी तरह से इस प्रोसेस को रिपीट कर देंगे। इस तरह से हमने देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है। आशा है कि आप बिल्कुल एक एक स्टेप बहुत अच्छा ढंग से समझ गए होंगे। हमें तो लगता है कि हर आदमी को ये राष्ट्रपति महोदय के चुनाव के बारे में इंटरेस्टेड होना चाहिए। देखते हैं, सुनते हैं बहुत कुछ, लेकिन सीख नहीं पाते हैं, सीखने का ये अवसर है, आप सीख लें। और एट लास्ट में हम रिक्वेस्ट करेंगे, इफ़ रियली आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।